बीच यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। नाटो यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोटेक्शन देने की गारंटी दी है। पुतिन अब अमेरिका को झटका देने वाला नया प्लान बना चुके हैं। पुतिन अब उन देशों की ओर रुख कर रहे हैं जिनका अमेरिका से तनाव चल रहा है। टिट फॉर टैट की नीति के तहत पुतिन अब वेनेजुएला में परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे। पुतिन और बाइडेन के बीच तनाव का एक नया सेंटर एक्टिव होने वाला है। पुतिन अब अमेरिका को एक नई जगह से चैलेंज करने वाले हैं। प्लान बहुत बड़ा है, जगह बेहद अहम। पुतिन ने फिलहाल अपने परमाणु हथियारों के डिपो को ओपन करने का आदेश दिया है। रूस के वो घातक हथियार जो किसी भी मुल्क को भस्म कर सकते हैं। उन्हें ट्रकों पर लोड किया जा रहा है। यूक्रेन के मोर्चे पर अमेरिका की धौंस खत्म करने के लिए पुतिन ने जो प्लान तैयार किया उसके मुताबिक वेनेजुएला में रूस के परमाणु हथियार भेजे जाएंगे। वेनेजुएला का अमेरिका के साथ पुराना विवाद है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की थी। वेनेजुएला में हथियार भेजने का जल्द ऐलान हो सकता है। वेनेजुएला में परमाणु हथियारों, मिसाइलों और सेना की तैनाती पुतिन का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि इससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की परेशानी भी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले ही वेनेजुएला और क्यूबा में हथियारों की तैनाती पर दोनों देशों से बात कर चुका है। वेनेजुएला रूस के साथ है और पुतिन का प्लान फाइनल स्टेज में है। माना जा रहा है कि बस 7 दिनों बाद रूसी हथियारों का काफिला वेनेजुएला कूच करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा और वेनेजुएला में रूस सबसे पहले परमाणु हमला करने में सक्षम स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को तैनात करेगा। बाद में इन देशों में मिसाइलें भी तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। रूसी परमाणु बॉम्बर्स 2018 में वेनेजुएला में फ्लाई पास्ट कर चुके हैं। दूसरी ओर नाटो ने कई युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को पूर्वी यूरोप में तैनात किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। अमेरिका अपने हजारों सैनिकों को यूक्रेन में तैनात करने पर भी विचार कर रहा है। इसी के जवाब में अब रूस वेनेजुएला और क्यूबा का रुख करने वाला है। सैन्य दबाव बनाने का ये खेल आगे और भी खतरनाक हो सकता है, और बातचीत के जरिए हल नहीं निकला तो अंजाम युद्ध भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।